विपस्सना ध्यान क्या है, विपस्सना ध्यान क्यों करें, विपस्सना ध्यान कैसे किया जाता है और विपस्सना ध्यान से क्या क्या फायदे हैं, आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइफ में हम बहुत बार ट्राई करते हैं मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। हम बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है। हम बैठे हैं यहाँ, सोच रहे हैं कहीं और, हमारे विचार थमते ही नहीं हैं, विचारों की कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं, न जाने हम किन चीजों में खो जाते हैं। और जब हमारी आँख खुलती है तो हम कहते हैं, अरे मैं तो मेडिटेशन करने बैठा था, मैं किस बारे में सोचने लगा। हम विचारों के अंदर इतने उलझ जाते हैं कि हमें वास्तव में पता ही नहीं चलता कि हम मेडिटेशन करने बैठते हैं। क्यों ऐसा होता है ना? तो ऐसा होता क्यों है? जब हम बैठे थे मेडिटेशन करने तो हम किसी और चीज के बारे में कैसे सोचने लगे? हम ऐसा इसलिए सोचने लगे क्योंकि हमारा अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं था। हमने सिर्फ अपने मन को यह समझा लिया कि हम मेडिटेशन करने बैठे हैं, लेकिन क्या हम अपने दिमाग, अपने माइंड को यह समझा पाए कि हम मेडिटेशन करने बैठे हैं? नहीं, और वैसे हम समझा भी नहीं सकते। इसीलिए तो ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि हमें अपने सांसों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ गरम गरम सा महसूस कर रहे हैं, कुछ ताजी ठंडी हवा से महसूस कर रहे हैं। यही जो चीज जो हम महसूस कर रहे हैं, यानी जो हम अपनी सांसों को देख रहे हैं, उसको देखना ही तो विपस्सना है। विपस्सना ध्यान का अर्थ है आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव होना, और वह हम कर ही रहे हैं, उसी को तो विपस्सना मेडिटेशन कहते हैं। विपस्सना मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसी चमत्कारिक ध्यान विधि है जिसके माध्यम से सबसे ज्यादा लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए। विपस्सना ध्यान बुद्ध द्वारा ही खोजी गई थी, जिसे बुद्ध ने समस्त संसार में फैलाया, और उसके बाद ओशो रजनीश ने इसे संपूर्ण विश्व में फैलाने में अहम योगदान दिया। अब आपको देखना यह होगा कि आप देख क्या रहे हैं, तुम क्या देख रहे हो, और जो कुछ भी तुम देख रहे हो क्या उसे होश पूर्वक देख रहे हो, यथावत देख रहे हो। अगर आप यथावत और होश पूर्वक देख रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप विपस्सना मेडिटेशन कर रहे हो। देखो चारों ओर लोग किस तरह से विचार और भावों की बेहोशी में जिए जा रहे हैं, पुतलों की तरह ख्यालों में जिए जा रहे हैं। क्या कभी इन सभी से दूरी बनाकर उसका निरीक्षण किया आपने? विपस्सना ध्यान इन सभी चीजों पर आत्म निरीक्षण करने का एक साधन है, एक ध्यान विधि है। इसीलिए तो कहा जाता है, यदि आपने विपस्सना ध्यान साध लिया तो समझो आपका संपूर्ण जीवन सध गया। विपस्सना ध्यान का कार्य ही यही है कि वह आपके माइंड को और बॉडी को लिंक करे, उसे जोड़े। बॉडी और माइंड के लिंक को बनाने का कार्य ही विपस्सना है। विपस्सना ध्यान एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप खुद से ही खुद को देखते हो। विपस्सना ध्यान करते हुए हम खुद की बॉडी के सेंसेशन को ऑब्जर्व करते हैं। बिना किसी जजमेंट के हम अपनी बॉडी की सेंसेशन को ऑब्जर्व करते हैं, या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि विपस्सना माइंड की एक्सरसाइज कराने की एक टेक्निक है। भगवान बुद्ध कहते थे कि हमारे जीवन में जो भी सिचुएशंस आने वाली हैं, उसे हम दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, या तो एक अच्छी सिचुएशन होगी या फिर वह एक बुरी सिचुएशन होगी। अगर सिचुएशन अच्छी है तो आप कहेंगे कि मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, यानी आप जो कुछ भी सोचेंगे आप उसको पाने की कोशिश करेंगे। और यदि बुरी सिचुएशन होगी तो आप यह कहेंगे कि मुझे यह नहीं चाहिए। अब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये दोनों ही सिचुएशन स्ट्रेसफुल होते हैं। ऐसा होता है ना हमारे जीवन में, हम जो कुछ भी मांगते हैं यदि वह हमें नहीं मिला तो हम फिर स्ट्रेस लेने लगते हैं, या फिर हमारे साथ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते, और जो चीज हम नहीं चाहते यदि वो चीज भी हमारे साथ होती है तो भी हम स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो विपस्सना मेडिटेशन इस स्ट्रेस को दूर करने का एक तरीका है जिसे भगवान बुद्ध ने खोजा था। आइए जानते हैं कि विपस्सना ध्यान कैसे करें। यूं तो बहुत से तरीके हैं विपस्सना ध्यान करने के। शुरुआती समय में आप विपस्सना ध्यान कैसे भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, उठते बैठते कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए कर सकते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए कर सकते हैं, किसी पार्क में बैठे हैं आप तब भी विपस्सना ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआती समय में आपको सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाना है, आपको आती जाती सांसों को देखना है। पहली स्टेज के बाद जब आपका ध्यान थोड़ा सधने लगे तब आपको क्या करना है, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने घर में एक ऐसी जगह चूज करनी है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े लूज होने चाहिए। अगर आपने वॉच पहनी है तो आप उसे भी निकाल दें।
जब आप मेडिटेशन करने बैठें, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको सिर्फ अपने ब्रीथ को देखना है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्रीथ को ही तो देखना है, ये कितना आसान है। हाँ आसान है, लेकिन शुरू शुरू में इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो आपको अपने ब्रीथ को दो एस्पेक्ट्स में देखना है, इनर ब्रीथ और आउट ब्रीथ। जब आप ब्रीथ इन कर रहे होंगे तो आपको यह महसूस करना है या देखना है कि वह कहाँ टच कर रही है। जैसे ब्रीथ आ रही है तो आपको यह देखना है कि वह ब्रीथ टच कहाँ कर रही है। ब्रीथ आते वक्त थोड़ी ठंडी है, जाते वक्त थोड़ी सी गर्म हो गई है, बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा डिफरेंट हो जाता है जब ब्रीथ बॉडी से होकर बाहर जाती है। जब आपका ब्रीथ का फोकस बढ़ जाएगा तो आपके नाक के नीचे और अपर लिप के ऊपर कुछ सेंसेशन सा महसूस होने लगेगा। जब आपको यह सेंसेशन फील होने लगे तो आपको उसे देखना है, उसे महसूस करना है। आपको जो भी सेंसेशन फील हो रहा है आपको सिर्फ उसे देखना है, उसे महसूस करना है। आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब होगा ये कि ये विपस्ना मेडिटेशन करते करते आपके माइंड का फोकस इतना बढ़ जाएगा कि वह बॉडी के दूसरे सेंसेशन भी फील कर पाएगा। और माफी चाहूंगा कि मैं अब यह नहीं बता पाऊंगा आपको कि वह सेंसेशन कहां कहां फील होगा। वो आपको आपके बैकबोन की नीचे की साइड हो सकता है, मूलाधार चक्र पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और इसके बाद किस प्रकार का एक्सपीरियंस होगा यह आप खुद ही बता पाएंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप भी वैसा ही फील करने की सोचेंगे। और अगर आप वैसा जबरदस्ती फील करने की सोचेंगे तो इसका मतलब आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ उन चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये सभी सेंसेशंस या जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, जब आप उसका खुद ही आनंद ले पाएंगे तभी आप ज्यादा बेहतर इसको समझ पाएंगे। तो आपको जो कुछ भी महसूस हो रहा है आपको सिर्फ उसको फील करना है, क्योंकि जब आप फील करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर किस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। आपका सांसों पर ध्यान आपको वर्तमान समय में ले जाएगा और आपके अंदर हो रहे चेंजेस या हो रहे सेंसेशन आपको सूक्ष्म चीजों से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। जब आपको ऐसा फील होने लगे कि आप अपनी सांसों पर ध्यान कर पा रहे हैं, आप उसे देख पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप विपस्ना मेडिटेशन कर रहे हैं। और हाँ यार, आज से ही शुरू कर दो विपस्ना मेडिटेशन, तभी तो पता चलेगा ना कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो कौन कौन आज से विपस्ना मेडिटेशन स्टार्ट कर देगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।